नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल का। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 31,661 की चयन सूची को साथ में काउंसलिंग को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। कब से इसका प्रोसेस शुरू होने वाला है, कब इसकी जो नई चयन सूची वो जारी होगी, क्योंकि ऐसे में अभ्यर्थी अपना गणित लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो मेरिट के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो तमाम तरीके की दोस्तों चीज़ें सोशल मीडिया पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। कभी ये बताया जाता है कि चयन सूची आएगी, लेकिन ऐसे में दोस्तों हमारी तरफ से आपको पहले बताया गया था कि पहले आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी और उसके बाद में आपकी जो सूची है वो यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। तो अभी जो जानकारी दोस्तों SC RT से मिली, इसको लेकर उस पर बात करेंगे। साथ में अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर ही बैठे हैं, इसको लेकर ही बात करने वाले। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे में चयन सूची कैसे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, इसके बारे में तमाम चीज़ें दोस्तों मैंने आप सभी को पहले ही बता दी हैं कि चयन सूची के अंदर जो जानकारी अधिकारियों से मिली वो आपको पहले बताई गई है कि सभी कैटेगरी में से अभ्यर्थी को उठाया जाएगा, जो जानकारी मिली थी। लेकिन ऐसे में दोस्तों आयोग की अगर बात करें, कुछ अधिकारी या फिर हम कह सकते हैं कुछ अधिकारियों से नीचे दोस्तों जो आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आगामी 31,661 की चयन सूची को लेकर, काउंसलिंग को लेकर जो दोस्तों चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, उसमें आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसका रीजन उनकी तरफ से बताया गया है, विभाग की तरफ से पहले 200 अलावा साथ में लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर कैबिनेट दाखिल की जाएगी। जैसे ही कैबिनेट दाखिल होगी उसके बाद में आपकी विज्ञप्ति और उसके बाद 200 चयन सूची वगैरह का जो कार्यक्रम वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब सरकार बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऊपर से जो आदेश मिले थे पहले अधिकारियों की तरफ से या फिर अगर बात करें सरकार की तरफ से, कैबिनेट दाखिल किए बिना विज्ञप्ति यहां से जारी नहीं की जाएगी। अभी जो SC RT से जानकारी मिली है, जैसे ही 200 कैबिनेट दाखिल होगी उसके बाद दोस्तों यहाँ से चयन सूची की आपको जो विज्ञप्ति है वो देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर काउंसलिंग और साथ में नियुक्ति पत्र का पूरा शेड्यूल दोस्तों जारी किया जाएगा। अब ऐसे में हो सकता है दोस्तों आज शाम तक दोनों जगहों पर दोस्तों जो कैबिनेट है वो दाखिल हो जाए। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो शाम तक आपको विज्ञप्ति देखने के लिए मिलेगी और कल तक आपके सामने चयन सूची भी आ सकती है या फिर कुछ ही घंटों के बाद देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी दोस्तों अगर बात करें 4 से 5 बजे तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही विभाग की तरफ से कैबिनेट दाखिल की जाती है अलावा या लखनऊ हाईकोर्ट के अंदर, सबसे पहले दोस्तों जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी और कैबिनेट दाखिल होने के बाद में यहां से विज्ञप्ति जारी होने की प्रबल संभावनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। विभाग की तरफ से तमाम चीजें देखने के लिए मिल रही हैं चयन सूची के बारे में। दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को बताया कि अभ्यर्थी की तरफ से धरना प्रदर्शन भी जारी है। अगर हम बात करें आज SC RT पर धरना किया जा रहा है, जो कि DLED वाले अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी देखने के लिए मिले या फिर TET जल्दी देखने के लिए मिले। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा, काफ़ी अभ्यर्थी तरफ से MRC का लगातार विरोध किया जा रहा है। 31,661 की चयन सूची में आरक्षण को लेकर दोस्तों जो मांगे वो देखने के लिए मिल रही है, जिसको लेकर यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए, जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, भूख हड़ताल की जा रही है, जहाँ पे अभ्यर्थियों की तरफ से MRC को लेकर, आरक्षण नियमों को लेकर अपनी मांगे लगातार जारी हैं। तीसरा दिन हो चुका है आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, तीसरा दिन धरना प्रदर्शन को हुआ है, भूख हड़ताल का पहला दिन है। इससे पहले अधिकारियों के साथ मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उसकी दोस्तों कोई सार्थक चीजें अभी तक नहीं निकली हैं। इसी वजह से अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी दोस्तों नई चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में सवाल है कि अभी तक यहाँ से विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हुई है। तो यहाँ पे अभी जो जानकारी देखने के लिए मिली है SC RT से, पिछले 2 दिनों से दोस्तों NIC बंद था। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ से चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि जैसे ही विभाग की तरफ से कैबिनेट दाखिल की जाएगी उसके बाद में दोस्तों आगामी समय के अंदर जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। जब तक कैबिनेट दाखिल नहीं हो जाए उससे पहले चयन सूची या फिर चयन सूची की विज्ञप्ति को लेकर थोड़ा आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट जो कि SC RT से देखने के लिए मिल रही है। बाकी इसके बारे में या फिर अधिकारियों के माध्यम से और भी कोई सूचना निकलेगी, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।